आई नो वॉट यू आर थिंकिंग कि इतनी गंदी हैंड राइटिंग। अब आप देखो ये इतनी गंदी हैंड राइटिंग को देख के आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, चाहे उसने लिखा बीच में सही होगा, बट सिर्फ राइटिंग देख के आपने जज कर लिया कि स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे साथ एग्जाम में भी होता है कि आपको चाहे जितना मर्जी आता हो, आप अच्छे से सारा लिख भी आए हो, बट अगर आपकी हैंड राइटिंग नहीं ना अच्छी तो टीचर का भी पढ़ने का मन नहीं करता और वो मार्क्स काट देते हैं। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि मैम क्या हम ऐसी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या हम ऐसी हैंड राइटिंग बना सकते हैं, इतनी अच्छी सुंदर राइटिंग हम लिख सकते हैं? तो यस स्टूडेंट्स, हम इतना अच्छा लिख सकते हैं। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो टीचर भी आपको मार्क्स जो है वो बहुत ही अच्छे देंगे। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नेहा विद यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसको मोस्टली स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन यू आर सिटिंग इन योर एग्जामिनेशन हॉल फॉर योर फाइनल बोर्ड एग्जाम। इट इज योर हैंड राइटिंग। यस स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छे से सारा पेपर आता है, सारे आंसर्स आते हैं, सॉल्यूशंस अगर आपको सारे पता हैं न्यूमेरिकल्स के, बट अगर आपको उसको प्रेजेंट नहीं करना आ रहा गुड हैंड राइटिंग में, तो सारा आता जाता बहुत ही वेस्ट होने का डर रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने कुछ वेस्ट नहीं होने देना, आपकी नॉलेज को वेस्ट नहीं होने देना, बट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पता हो कि आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कैसे करना है राइटिंग फॉर्म में। तो ये भी आजकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज मैं स्टूडेंट्स आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट्स शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ, आप उसको फॉलो करिए और फिर देखिए आपकी हैंड राइटिंग 7 days में किस तरह से इम्प्रूव हो जाएगी। बट द थिंग इज यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो ऑल दीज 7 rules। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें स्टूडेंट सबसे पहला जो हमारा साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट है वो है सिटिंग पोस्चर। यस, अगर आप ज़्यादा बेंट हो के लिखते हो, ठीक है, अगर आप ज़्यादा सी लाइक दिस, अगर आप ज़्यादा बेंट हो के लिखोगे तो आपका जो हाथ पे प्रेशर है लिखने का वो सही से नहीं बन पाएगा। ठीक है, यू हैव टू सिट स्ट्रेट। ठीक है, तो जब भी आप बेंच पे या चेयर पे बैठे हैं तो स्ट्रेट बैठिए, तो उससे क्या है, एक तो आपकी यहाँ से नेक भी पेन नहीं होगी और आपका जो लिखने का स्मूथ फ्लो है वो बनेगा। सेकेंड जो साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट है वो है योर राइटिंग टूल। आप टूल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप पेन यूज़ कर रहे हैं या पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, उसके भी बहुत वैरायटीज हो सकती हैं, यू नो, पेन्स की, जेल पेन, बॉल पेन, इंक पेन, पायलट पेन, जो पेन आपको सूटेबल है, कंफर्टेबल है, आपने वही यूज़ करना है। पहली बात तो ये है कि आपका जो राइटिंग टूल है वो लाइटर होना चाहिए। अब ये देखिए, ये पेन बहुत ही हैवी है, जितना पेन हैवी होगा या आपका राइटिंग टूल हैवी होगा उतना ही आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी उसको पकड़ना और उसको लिखना, प्रेशर करके लिखना, आपके हाथ के ऊपर ही प्रेशर पड़ेगा और आपका हाथ जल्दी ही थक जाएगा। अगर आप लाइट वेट पेन लेते हैं तो आपके लिए उतना ही कन्वीनियंट हो जाता है, स्पीड बढ़ती है लाइट वेट पेन से, लाइट वेट पेन से बहुत जल्दी स्पीड बढ़ती है और हैवी पेन से उतना ही मुश्किल हो जाता है। और जब भी आप कोई भी यू नो राइटिंग टूल परचेज करने के लिए जाते हो तो आपने ये ध्यान रखना है दैट टूल मस्ट बी स्मज फ्री। अब स्मज क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखने जा रही हूँ, इट इज रेनिंग। ठीक है, अब स्मज कैसे करता है, जब मैंने ये रेनिंग लिखा तो यहाँ पे लास्ट में इंक लीक हो जाती है और फिर ये फैल जाती है। ठीक है, अब ये जो है ये बहुत ही गलत प्रेजेंटेशन है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। इसलिए बेटर यही है, जब भी आप स्टेशनरी की शॉप में जाते हैं तब आप अपने राइटिंग टूल को अच्छे से वहाँ पे टेस्ट करिए, ट्राई करिए, लिख के देखिए और अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग फिर परचेज करिए। आपने क्या देखना है, इट मस्ट बी स्मज फ्री। एक तो वो ऐसा स्मज नहीं होना चाहिए जब आप उसको लिख रहे हो, और दूसरा उसका फ्लो जो है वो स्मूथ फ्लो होना चाहिए राइटिंग। तो स्टूडेंट्स उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, आज का थर्ड फैक्ट है, वो है ग्रिप ऑफ योर राइटिंग टूल। वही बात आ गई, सबसे पहले हमने ये भी देखा कि राइटिंग टूल आपका कैसा होना चाहिए, अब उसकी ग्रिप के बारे में बात करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अब ये पेन है, अगर आप इसको बहुत पीछे से पकड़ते हो तब भी आप सही से लिख नहीं पाओगे। अब मैंने बहुत पीछे से पकड़ा है तो मैं इसको लिख रही हूँ इट इज रेनिंग, तो वो नहीं लिखा जा रहा, आप देख रहे हो। ठीक है, अगर मैं इसको बहुत फ्रंट से पकड़ती हूँ, बहुत आगे से पकड़ती हूँ, तो मैं ऐसे लिखूंगी, अब मुझे यही नहीं दिख रहा कि मैं कहाँ सही स्मूथ लाइन में लिख रही हूँ, लाइन के ऊपर लिख रही हूँ या नहीं, तो ये मेरा बिल्कुल मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ। दिस
दीज बोथ आर रॉन्ग मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन और राइटिंग. ठीक है, तो हमने लिखना पकड़ना कहाँ से है, ग्रिप कहाँ से पकड़नी है, ना बहुत फ्रंट से ना बहुत बैक से, इन बिटवीन, मिड वे आपने फॉलो करना है, बीच में से आप पकड़ोगे ना. सी, सो अब मैं अगर लिखूँ इसको, इट इज रेनिंग. अब ये देखो, ये है करेक्ट मेथड. तो इस तरह से आपने फॉलो करना है, बहुत फ्रंट या पीछे से नहीं, बीच में से पकड़ना है, जहाँ से आपकी ग्रिप सही हो, पकड़ सही हो. ठीक है, तभी आप उसको स्मूथ वे में लिख सकते हैं. और जो टूल जो आप ले रहे हैं उसकी ग्रिप आपने कैसे चेक करनी है, बहुत ही सॉफ्ट पेन नहीं लेना आपने. ठीक है ना, अगर बहुत सॉफ्ट पेन लोगे तो आपका हैंड जो है वो स्लिप हो जाएगा और आपकी ग्रिप नहीं बन पाएगी. तो इसीलिए यहाँ से थोड़ी फ्रिक्शन होनी चाहिए, यू नो, जब आप ऐसे इसको टच करते हो, यहाँ से थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए. कई पेंस पे रबर लगा होता है या और भी कोई यहाँ पे आइटम जो है वो लगी होती है. ठीक है, तो यहाँ से स्मूथ, बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज स्लिप हो जाता है हैंड. तो ये है ग्रिप के बारे में जो आपने बातें ध्यान में रखनी है. अब स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है वो है स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड्स. आप उनकी लेटर्स और वर्ड्स की स्पेसिंग किस तरह से करते हैं. अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रही हूँ, नेचर इज ब्यूटीफुल. अब ये लाइन मैंने लिखी. ठीक है, अब स्पेसिंग का मतलब स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स. अब नेचर वर्ड और इज वर्ड में कितनी स्पेसिंग है, इज और ब्यूटीफुल में कितनी स्पेसिंग है, तो इस स्पेसिंग को आप मेजर कर सकते हो. वैसे ये तो आप अंदाजा लगा के भी देख सकते हो, बट फिर भी जो स्टूडेंट्स को स्पेसिंग करने में डिफिकल्टी आती है तो उसके लिए वो मेथड यूज़ करते हैं, अपनी स्मॉल फिंगर को यूज़ कर सकते हैं यहाँ रख के. सी, आप देख सकते हैं स्मॉल फिंगर जितना यहाँ पे मैं स्पेसिंग ले रही हूँ, तो ये ब्यूटीफुली जो है प्रेजेंटेबल है, आपको दिख भी रहा है क्या लिखा हुआ है. सो ये थी स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स. ठीक है, तो अब मैं अगर बात करूँ स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स, लेटर्स मीन्स जैसे अब नेचर में एन ए टी यू आर ई, अब ये तो कितने सही से प्रेजेंटेबल हैं, तो स्पेसिंग सही होनी चाहिए. इट मीन्स यहाँ पे सही स्पेसिंग है. ठीक है, स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स के लिए कोई फंडामेंटल रूल नहीं है. ठीक है, कि आप इस तरह से मेजर कर सकते हैं, ये आपको होगा रेगुलर प्रैक्टिस से. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके लेटर्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो सही होती जाएगी. अब स्पेसिंग लेटर्स के बीच में क्यों मैटर करती है, अगर मैं सही स्पेसिंग ना रखूँ तो क्या लिखा आएगा. सी, अब ये आप, ये रीडेबल नहीं है, ये रीडेबल है. क्यों, क्योंकि इसका एक एक लेटर सही स्पेसिंग पे लिखा हुआ है और यहाँ पे स्पेसिंग ही नहीं दी हुई. ठीक है, इसको बहुत ही एक वर्ड जो एक लेटर है वो दूसरे के बीच में मर्ज हो रहा है. ठीक है, रीडेबल नहीं है. तो आप खुद ही देखो, जब आप लिखते हो तो आप खुद देखो अपनी राइटिंग, आपको वर्ड्स जो हैं वो रीडेबल होने चाहिए. लेटर्स को आप थोड़ा सा खुला खुला करके लिख सकते हो कि सो दैट वो ईजिली प्रेजेंटेबल हो. तो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है जो आपने ध्यान में रखना है, इट इज डोंट टेंगल वर्ड्स एंड लेटर्स. ठीक है, कई बार आप दो स्टेटमेंट्स इकट्ठी लाइन में लिखते हो तो वो टेंगल हो जाती हैं, क्लैश कर जाती हैं. लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इट इज रेनिंग, और मैं नीचे लिख रही हूँ नेचर इज ब्यूटिफुल. अब ये देखिए, राइटिंग तो बहुत अच्छी लिखी हुई है बट यहाँ पे वर्ड्स क्लैश हो रहे हैं, कई पता ही नहीं चल रहा कि रेनिंग क्या कहाँ ख़त्म हो रहा है और ब्यूटीफुल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ये बहुत ही गलत प्रेजेंटेशन है, इस तरह से आपने नहीं करना. तो ये तो होगी प्रॉब्लम. तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, आप इसको सही से किस तरह से लिख सकते हैं. लाइक इट इज रेनिंग, ये मैंने लिख दिया. ठीक है जी, अब मैंने लिखना है नेचर is beautiful. तो मैंने nature is यहाँ पे लिख लिया. अब मैं यहाँ पे लिखने की बजाय इससे आगे भी लिख सकती हूँ. अब ये solution है, या तो आप g की space को छोड़ के आगे लिखिए. दूसरा option क्या है, आप raining को small कर दीजिए. Like अब ये भी option सही है. Next अगर मैं लिखूँ, it is raining, अब मैंने g छोटा कर दिया है तो आप easily जो है next line लिख सकते हो. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो ट्रिक्स हैं, हम दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हो. तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट इज़ डू प्रैक्टिस रेगुलरली. ठीक है, ये तो आप सबको पता ही है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा परफेक्शन आएगी. तो एटलीस्ट 2 pages आप डेली बेसिस पे लिखने स्टार्ट करिए. और ये आप कोशिश करिए, जब आप लिखते हैं तो ये सपोज ये सपोजिंगली ये पेज की लाइन है, तो जब आप लिख रहे हैं
तो आपके जो वर्डिंग्स हैं वो लाइन को नीचे क्रॉस नहीं करनी चाहिए, आपको ऊपर ही लिखना पड़ेगा, लाइक इट्स रेनिंग. ये देखो ये ऊपर ही आ रही है. कई कैसे लिखते हैं, इट्स, दिस इज रॉन्ग वे. ये देखो ना ये नीचे लाइन से बाहर आ रही है, तो आपको प्रॉपर इसको लाइन के बीच ही लिखना है. तो ये स्टूडेंट छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है. इसके बाद अब लास्ट सेवंथ जो हमारा साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट है वो है आस्क फ्रॉम अदर्स. आपने लिख लिए पेजेस, अपनी हैंड राइटिंग ना खुद को हमेशा अच्छी ही लगती है, तो हमेशा दूसरे लोगों से रिव्यू लीजिए, अपनी जो राइटिंग है वो दिखाइए और उसके अकॉर्डिंग रिमार्क्स लीजिए कि आप मेरी इस हैंड राइटिंग के अकॉर्डिंग आप कितने मार्क्स देंगे. तो जब आप ऐसे करेंगे, इतना करने से आपको ये पता चलेगा आपकी मिस्टेक्स कहाँ हैं. दूसरों को कहिए कि आपकी वो मिस्टेक्स निकालें राइटिंग में, और धीरे धीरे आप उस मिस्टेक्स को इम्प्रूव करिए सो दैट कि हैंड राइटिंग आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाए. तो स्टूडेंट्स बिलीव मी, अगर आप ये 7 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं डेली बेसिस पे, स्ट्रिक्टली बेसिस पे, यू कैन इंप्रूव योर हैंड राइटिंग इन 7 डेज ओनली. सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड सेफ.